दान, क्योंकि कल होना था दीपदान, तो आज नहीं है दीप, आज है दीपदान, कल नहीं है क्योंकि कल है पड़ रहा है ग्रैंड। तो भैया ये गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो मेरी है कल छुट्टी और आज है दीपदान, क्योंकि कल होना था दीपदान, तो आज नहीं है दीप, आज है दीपदान, कल नहीं है क्योंकि कल है पड़ रहा है ग्रैंड। तो भैया की छुट्टी और मेरी छुट्टी, और रिया की छुट्टी नहीं है। रिया की इस बात पर छुट्टी नहीं है कि उसकी पेपर आ चुके हैं। मैंने वो वाली किताब ली थी ना रिया ने, संस्कृत सामवैज्ञानिक, ये किताब ली थी, तो रिया इसका टेस्ट देने जाएगी, पर मैं नहीं देने जाऊंगा टेस्ट। तो मेरे तो मजे आएगी क्योंकि कल तो मैं घर ही रहूंगा और भैया भी घर रहेगा, और रिया 12 बजे जाएगी, याद करेगी सर ने कही थी 12 बजे आना और तुम्हें नहीं आना। उन्होंने किताब नहीं लिया, ज्यादा बच्चों ने किताब नहीं लिया, और रिया कह रही थी मुझसे कि बड़े सर जी अब किताब नहीं लेता तो ठीक रहता, अब कह रही है ठीक होता अगर किताब नहीं लेता। तो पहले तो मैंने ली नहीं थी कि मैंने तो अब, और आज है ना सभी क्लास पिटी थी, बड़े सर को गुस्सा आ गया था, इसलिए याद था नहीं किसी को, किसी को भी नहीं याद था। तो बड़े सर को बहुत ही गुस्सा आई, तो बहुत ही पीटे थे कि याद नहीं है, 3 महीने हो गए तुमने किताब लिए हुए, और तुम्हें वो 2 महीने या 1.5 महीने हो चुके हैं और तुमने किताब लिया और तुम्हें याद भी नहीं है, तो इसीलिए बात पर सभी क्लास पिटी थी। तो हमारी करब तो कुट चुकी है और फाइनली बुस भी बढ़ चुका है उसमें, करब और वो उसमें, और कट्टे में साइकिल से धार गया था, मेरा काम था वो कल हो गया पूरा, और मैं कल मजे लूँगा। मेरी कल छुट्टी है और दीपदान आज है, तो दीपदान पर मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। तो दीपदान क्यों मनाया जाता है, सर ने हम पर लिखवाया था, ये 10 दिन हो गए, दीपदान इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब अयोध्या राम जी आए थे, तो जब 15 दिन बाद देवों ने नीचे आके दीप जलाए थे, इसलिए शायद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो रिया का कल भी वैसे पेपर है और मेरी है छुट्टी, रिया से खुद पूछ लो। तो रिया मुझे बता नहीं रही क्योंकि वो है गुस्से में, क्योंकि उसने गलत किताब ले ली, इस बात पर वो गुस्से में है, इसलिए मुझे बता नहीं रही। क्योंकि यूँ कह रही थी मुझसे जब मैं आ रहा था साइकिल से रिया को लेकर, तो रिया मुझसे कह रही थी कि गलत ले ली मैंने किताब, अब याद करना पड़ रहा है, अब याद तो करना पड़ेगा किताब ली है तो। तो आप पीछे देख ही रहे होगे रिया कितनी गुस्से में, बहुत ही गुस्से में, और रिया वहाँ पर दुकान पर रुके थे ना, तो रिया गुस्से में थी बहुत ही। रिया दुकान से कह के चली थी कि मुझे नींद आ रही है मैं सोऊंगा, तो सोऊंगी गलती से बोली है, तो रिया भी सोई नहीं है, तो उसका नाटक खत्म हो चुका है ना, इसीलिए अब वो ऊपर डोली है, अब क्या करेगी टीवी देखकर, इसके मार वो ऊपर डोली है देखो। तो पिताजी तो आए नहीं है, तो मुझ पर फोन कैसे आया आप यही सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं दुकान से लेकर आया था, पर मैंने गैल में ब्लॉग नहीं बनाया था नैक भी। तो हमारी ढैचे की लकड़ी ये रखी और हम वहां से ढोकर लेके आए थे, यहाँ पर ऊपर रखी थी। तो हमारे आलू में पानी कब लगेगा ये तो पता नहीं, उस संडे के दिन से आया दवाई लग सकती है ये पता है पक्की, और पानी लगे ना तो मैं जाऊंगा पानी लगेगा तो। और दादी जी ने हमको एक काम दिया था रिया को और मुझे कि जब आओ ना तो जब मूरे का बीज और उसका किसी का बीज कही थी, तो हम लेकर नहीं आए, हमको ध्यान ही नहीं रहा भाई। मैंने तो रिया से कही थी कि बीज का ध्यान रखना, वो लेकर ही नहीं आई अपनी गुस्से की मार, क्योंकि उसने किताब गलत ले ली, इसीलिए इसके मार वो गुस्से में बहुत ही ज्यादा। तो पिताजी सीपीयू ले गए थे, उसमें वो दरवाया था फिल्मोरा, तो फ्री का नहीं डला, चल ही नहीं रहा, तो इसलिए तो फोन में ब्लॉग बना रहा हूँ, अगर डल जाता तो फोन भी नहीं लेके आता, और वो भी कैमरे में ब्लॉग बनाता, तो कैमरा भी आ चुका है दुकान पर रखा है, कैमरा कोई ले गया था ना वो आ गया कैमरा, और फिल्मोरा नहीं दे रहा, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। मैंने करब की वीडियो बनाई थी ना, तुम्हारे बगल की दुकान में वो है ना करब की, तो वो यूँ कह रहे थे, उन्होंने हमारी वीडियो देखी तो वो कह रहे थे हाँ हाँ करम में लग रहे हो, करम में जाकर टाइम पर, तो नहीं करब ही कूट रहे थे, तो अब क्या क्या ब्लॉग बनाऊँ क्या नहीं ब्लॉग बनाऊँ, तो अब सोच में नहीं आ रहा, खेत पर जाते हैं तुरंत टॉपिक मिल जाते हैं। और वैसे भी रिया का तो कल पढ़ने जाएगी, मैं छुट्टी है और भैया की भी छुट्टी है, पिताजी जाएंगे वहाँ पर दुकान पर जाएंगे पिताजी, और मैं नहीं जा रहा, पता नहीं कोई समय की पता नहीं आवाज़ चले जाऊँ या ना चले जाऊँ, तो पिताजी आवाज़ रिया को लेकर आए, तो अब क्या करूँ, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्यारी सी लाइक कर देना, हमारे चैनल पर तो प्यारे से कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।